कांग्रेस कह रही हमारी बड़ी जीत है, ऑपोजिशन कह रही कि हमने तो बस एक स्टेटमेंट दे दिया कि बिना आरक्षण के आपने लेटरल एंट्री की बात कैसे सोची, और मोदी सरकार ने उस पर यूटर्न कर दी, पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण उन्होंने कहा कि वक्फ बिल पर हमने दो बातें कह दी, और जो ये बहुत बस बनी थी अगस्त के 5 तारीख को कि वक्फ बिल लाया जाएगा, बिग बोल्ड रिफॉर्म होगा, तो फिर ऑपोजिशन ने कहा कि देखिए हम इस पर हमने प्रतिक्रिया दे दी और ये जेपीसी चली गई। तीसरा वो कह रहे बजट के बाद जो कैपिटल गेन्स टैक्स स्ट्रक्चर है, आप अच्छी तरह से इसको जानते हैं, उस पर इंडेक्सेशन बेनिफिट को रिमूव किया गया था। इन सब चीज़ों पर मिडिल क्लास से बहुत रिएक्शन आए थे, मगर पॉलिटिकल रिएक्शन भी आ गया था, उस पर भी वो कह रहे हैं कि वापस चली गई। और उसके बाद क्या हुआ कि अगस्त और हरियाणा चुनाव से पहले अगस्त सितंबर में कई सारे आर्टिकल्स लिखे गए, विश्लेषण हुआ कि मोदी गवर्नमेंट इज डूइंग यू टर्न अंडर पॉलिटिकल प्रेशर। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इस पर आप ज़रा, लोग जानना चाहते हैं कि क्या ऐसी कोई पॉलिटिकल प्रेशर में आजकल काम हो रहा है। पीयूष जी, थोड़ी विस्तृत तौर से, थोड़ी ओपनली इस पर अगर अगर आप, पूरी तरीके से बेबुनियाद बात है, और मैं तो चाहूँगा आपको भी कि अगर ऐसा कोई नैरेटिव मीडिया बनाने की कोशिश करे या विपक्ष के कोई नेता बनाने की कोशिश करे, उसमें आप उस झांसे में मत आइए। हम तो देखते भी नहीं, हमें उस इम्पैक्ट भी नहीं होता है हमारे काम करने के ढंग में, हमारे निर्णय लेने की प्रक्रिया में और निर्णय लेने के साहस में। रत्ती भर भी इस प्रकार के नैरेटिव से किसी भी मीडिया में हो, किसी भी विपक्ष के नेता से हो, इसका कोई प्रभाव नहीं होता है। मैंने आपको लैटरल एंट्री का तो बताया ही कि वो 45 एंट्री लोगों को लेना था। 2019 का हमारी सरकार का एक सर्कुलर था, पूरी तरीके से उसको इस लैटरल एंट्री के नोटिस में ध्यान में नहीं रखा गया था, उसको दुरुस्त कर दिया जाए। वक्फ का भी मैंने आपको बताया, कई कानून जब पार्लियामेंट व्यवस्थित चलती है तो हमारी इच्छा यही रहती है कि उसमें विचार विमर्श, और इतने बड़े कानून, क्रिमिनल लॉज को भी ऐसे ही किया, जन विश्वास बिल को भी ऐसे ही किया, लेबर लॉज में भी ऐसे ही विस्तार से देश भर में चर्चा हुई। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप जरा इसकी गहराई में जब जाएंगे तो आप ही का रिसर्च डिपार्टमेंट बताएगा कि अगर जब वक्फ का कानून हमने इंट्रोड्यूस किया, अगर हमारी इच्छा नहीं होती उसको जेपीसी में लेके जाने के लिए, हमारी संख्या भी पर्याप्त थी, हम पास भी कर सकते थे उसी दिन पार्लियामेंट में, और अगर वक्फ बोर्ड को जेपीसी नहीं बनानी थी तो किरण रिजिजू के पास सभी कागजात और स्पीकर साहब के साथ पास पहले से जानकारी कैसे थी कि ये पब्लिक कंसल्टेशन के लिए जेपीसी में जाने वाले। तो मुझे लगता है कि समझने वाले लोगों को सब समझ है, जो ना समझ है उनका तो मेरे पास कोई जवाब नहीं है। जनता को पता है कि समझने वाले समझ गए, जो ना समझे। और तीसरी भी आपने एक बात रेज की थी, कैपिटल गेन्स टैक्स। मैं तो समझता हूँ ये हमारा बड़प्पन है इस सरकार का, ये मोदी जी के काम करने का ढंग ही ये है कि दिस इज अ लिसनिंग गवर्नमेंट। हम हर एक विचार को सुनते हैं, उसके हिसाब से अगर कभी कुछ चीज दुरुस्त करनी पड़े तो अड़के नहीं बैठ जाते। कोई हम प्रेस्टीज इश्यू नहीं बनाते, हम कांग्रेस की तरह गलती करके सीना चोरी नहीं करते। अगर हमें लगता है कि कोई अच्छा विचार आता है और उसको हम सुधार कर सकते हैं तो वी आर अ लिसनिंग गवर्नमेंट।